हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू मी चैनल। आई एम खुशबू सिंह और आज मैं आपके साथ इस पार्ट टू वीडियो में अगेन अपने 10 ऐसे प्रोडक्ट्स रिवील करने वाली हूँ जो मेरे ट्रेडिशनल लुक में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो नंबर वन पे आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसा केनकेन स्कर्ट जो कि बहुत कम्फर्टेबल है। आपको पता है कि आपकी कोई भी स्कर्ट या लहंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पतली दिखती है उसको इंस्टेंटली फुला हुआ लुक देने के लिए हम केनकेन स्कर्ट यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे कम्फर्टेबल केनकेन स्कर्ट वो होता है जिसमें नीचे की साइड पे रिंग ना हो और कमर पे डोरी हो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कमर पे डोरी भी अवेलेबल है और रिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से बैठ पाते हो। तो दूसरा भी मैं यूज़ करती हूँ केनकेन स्कर्ट जिसमें डोरी और चेन दोनों ही है और ये एक पेटीकोट के शेप में आता है। तो जब भी मैं साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप करती हूँ तो ये वाला पेटीकोट मेरे लिए काफ़ी कम्फर्टेबल होता है। दोनों ही फ्लफीनेस सेम ही प्रोवाइड करते हैं। नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम बाल हाईलाइट करवाएं या ना करवाएं, पता नहीं कैसा लगेगा हमारी लुक के ऊपर, तो आप ये वाली एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत अच्छे से हाईलाइटेड एक्सटेंशन है और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है क्योंकि पीछे की साइड पर आप देख सकते हो टोटल 5 हेयर विक क्लिप दी हुई है। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। क्राउन सेक्शन वाला जो हेयर है उसको उठा करके आप यहाँ पर क्लिप लगा दीजिए और फिर नीचे की साइड से ये वाले एक्सटेंशन आप यूज़ कर लीजिए। इससे आपके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक तो आपको पता चल जाएगा कि हाइलाइटेड हेयर आपको सूट करेंगे या नहीं करेंगे, और दूसरा कि बाल हाईलाइट करते टाइम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि आपके बाल को डैमेज भी कर सकता है, तो ऐसे में ये एक्सटेंशन में बहुत अच्छा सॉल्यूशन कहूंगी। नंबर थर्ड में मैं ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ जो कि शादी विवाह के टाइम आप देखते ही होंगे, क्योंकि कई बार हम अपने रखे रखे ज्वेलरीज यूज़ करने जाते हैं उसमें रिंग के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो लूज़ ही मिलता है। तो ऐसे में आप ये एडजस्टर यूज़ कर सकते हो जो कि आपके गोल्ड वाली ज्वेलरीज के लिए गोल्डन कलर में आती है और आपकी सिल्वर ज्वेलरीज के लिए इस टाइप की ट्रांसपेरेंट कलर में आती है। तो आप ये इसको इंस्टेंटली यूज कर सकते हो अपने रिंग को टाइट करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी जिनको कर्ल करना तो पसंद है लेकिन कोई हीटिंग टूल यूज़ नहीं करना चाहते। तो आपको यूज़ करना चाहिए ऐसी ऑक्टोपस वाली हेड बैंड। आपको पता है कि अभी इसके ऊपर बहुत सारा हैक्स चला हुआ है लेकिन कोई भी कंफर्टेबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन सबको बाल में लगा करके सोना बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, पूरी नींद ख़राब हो जाती है, बट ये वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा है। इसको लगाना भी बहुत ईजी है, कोई भी अलग से क्लिप या फिर रबर बैंड आपको नहीं लगाना है, सब कुछ इसी में आता है। इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा बाल आप गीला कर लीजिएगा और अगले दिन जब आप इसको खोलोगे तो आपको बहुत टाइट कर्ल दिखेंगे। तो यहाँ पे जो लहंगे वाले लुक के साथ आपने कर्ल देखा था वो दूसरे दिन का कर्ल था। फर्स्ट दिन आपको ऐसे टाइट और बिल्कुल डिफाइन आपको कर्ल नजर आएंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनको कि पार्टी फंक्शन के टाइम में ऐसी प्लेन साड़ियाँ पहनना पसंद है। अब आपको पता है कि प्लेन साड़ियाँ तो दिखती बहुत सुंदर है, बट अगर आप चाहते हो कुछ अलग एक्स्ट्रा करना और चुटकी बजाते हुए आप चाहते हो उसकी लुक को इन्हेंस करना, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। इसको कहते हैं पोचू और ये अगर आपका कोई सा भी ड्रेस का नेकलाइन काफ़ी डीप है या फिर आप नहीं चाहते कोई नेकलेस पहनना तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेट नहीं होता। भले ये ऐसा दिख रहा है बट ये होता बहुत लाइट वेट है। तो मैं अपने पास इसके अलग अलग कलेक्शंस भी रखी हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। अब बात करते हैं फैब्रिक टेप के बारे में। आपको पता है कि जब भी हम अपनी ब्लाउज में प्लीट्स को ऐसे सिक्योर करते हैं तो इसमें फैब्रिक टेप हमारी बहुत हेल्प करती है, लेकिन कौन सी फैब्रिक टेप काफ़ी अच्छी है प्लस काफ़ी बजट फ्रेंडली है? तो यहाँ पे आप जो मेरे दूसरे हैंड में देख रहे हो ये रिंग वाली, ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है प्लस इसकी स्टिकीनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये फैब्रिक को काफ़ी मजबूती से पकड़ता है प्लस इसमें क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं दोनों ही साइड से पैसे के मामले में या फिर इसके यूज़ के मामले में दोनों साइड से इसको मैं अच्छा बोलूँगी। बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी साड़ी को फटने से कैसे बचा सकते हो। आपको पता है कि आप हर साड़ी के ऊपर सेफ्टी पिन यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये आपकी फैब्रिक को डैमेज कर सकता है। तो आपको करना क्या है, प्लीट सेंटर वाली जो आप बनाते हो, बनाने के बाद यहाँ पर आपकी पहली लेयर को हटाना है और ऊपर से आपको ये एक्स शेप वाली क्लिप यूज़ करनी है। ये साड़ी पिन के नाम से ही आता है लेकिन पिन वाला कोई काम करता नहीं है, ये फैब्रिक में नहीं घुसता है और ना ही आपकी फैब्रिक में कोई होल क्रिएट करता है। क्लिप की तरह सिंपली आपके फैब्रिक को ये पकड़ करके रखता है और अच्छी बात है कि ये सेंटर प्लीट को भी बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़ता है।
मेटल वाली ज्वेलरीज अगर आप पहनते हो तो ये प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धागा अगर पुराना हो जाता है तो ये साइड से ऐसे निकल जाता है, फिर हम इसका कैसे यूज़ करें वो समझ में नहीं आता। तो आप मार्केट से ले लीजिए इस टाइप के डिटैचेबल हुक वाले ऐसे थ्रेड, जिसको निकालना लगाना बहुत ईजी होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आता है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ज्वेलरीज हैं जिसका यूज़ आप नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज उसके थ्रेड ख़राब हो गए हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं उनकी जिनकी कि फंक्शन के टाइम में नेल्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, या नेल्स की ग्रोथ सही नहीं है, या नेल्स बढ़ते ही नहीं हैं। तो आप ऐसे में ऐसी आर्टिफिशियल जो नेल्स अभी आ रही है मार्केट में, जो कि पहले से डिज़ाइन की हुई रहती है, आप यूज़ कर सकते हो। पार्लर जाकर अगर आप एक्सटेंशन करवाओगे तो 2,000 से 3,000 का खर्चा लग जाएगा। आप इसको घर पे यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर ये किट के साथ आता है, इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको इसको स्टिक करने में काम आने वाली हैं। और अगर आपके शेप में ये नेल्स नहीं है तो आप इसको पहले शेप दे लीजिए, जो कि नेल फाइलर जो अभी आपने देखा जिससे मैंने अभी अपने नेल को शार्प किया था वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये इस टूल को मत फेंकिएगा, क्योंकि ये आपके नेल्स को वापस से निकालने में बहुत काम आएगी। और आप देख सकते हो इंस्टेंटली ये नेल्स की लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। फंक्शन के टाइम ये काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उनकी जो रेडीमेड ब्लाउज में डीप नेक से परेशान है। तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो इस नेक पैच लाइन से, जो कि मुझे मीशो पर मिला सर्च करने पर। ये गोल्डन कलर में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि गोल्डन कलर अधिकतर ब्लाउजेस के साथ मैच कर जाता है। तो यहाँ पे इसका यूज़ वैसे तो होता है कुर्तियों में, तो आप इसका यूज़ बैक वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में कर सकते हो, लेकिन स्टिच करते टाइम इसकी कॉर्नर्स पे फैब्रिक देना मत भूलिएगा, तभी ये परमानेंट सॉल्यूशन हो पाएगा। इस वीडियो में जितने ही प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।